हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। 8 फरवरी को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते हैं और वैसे तो इस जनरल इलेक्शन में टोटल 44 पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन जो डिस्कशन रहा वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं चार लोगों पे रहा, या कह लें कि 3 पॉलिटिकल पार्टी और एक इंस्टीट्यूशन। 3 पॉलिटिकल पार्टीज में भी कौन कौन सा, तो एक तो इमरान खान जिस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरा नवाज शरीफ जिस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और बिलावल भुट्टो जिस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और चौथा है पाकिस्तान की आर्मी। अब ये हमारे लिए एज एन इंडियन या एज एन स्टूडेंट हमारे लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि एग्जैक्टली जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पर क्या हो रहा है, और जो चुनाव हुए हैं इस चुनाव का कोई मतलब भी है या नहीं, अगर मतलब है तो क्यों है, और अगर मतलब नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके पहले कि मैं आप लोगों को जो चुनाव हुए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, थोड़ा उसके बारे में अपडेट दे दूं ताकि समझना और समझाना दोनों आसान हो जाए। फिलहाल इमरान खान जेल में है और वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान के पार्टी का जो सिंबल है बैट बल्ला, उस पर चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिए। तो जितने भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जितने भी जो कैंडिडेट्स थे जो इमरान खान के पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें। और जब से, और जो सबसे जो शॉकिंग बात रही वो ये रही कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को बहुत हद तक, या कह लें कि इंटरनल जो बैकिंग थी वो पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उम्मीद किया गया था पाकिस्तान आर्मी को नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के, कि वो काफ़ी अच्छा सीट जीत के लाएंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो जीतते हैं 101 सीट। नवाज शरीफ के जो कैंडिडेट्स होते हैं या उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जीतते हैं 75 सीट्स। बिलावल भुट्टो के जो पार्टी या कैंडिडेट्स हैं वो जीतते हैं 54 सीट्स। टोटल जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 265 सीट्स पे। जो सरकार बनाने के लिए जो मिनिमम सीट चाहिए वो है 169। कहने का मतलब है कि अगर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अगर साथ में आते हैं तब भी पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि 169 सीट से वो शॉर्ट रह जाएंगे। कहने का मतलब है कि बिना इमरान खान के हेल्प के सरकार बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या कह ले बहुत हद तक पॉसिबल भी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पाकिस्तान में टिल डेट, यानी कहने का मतलब है कि जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, यानी कि 1947 से लेके अब तक, पाकिस्तान में कोई एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो अपने पूरे 5 साल के टेन्योर को पूरा किया। जो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था लियाकत अली खान, वो भी अपने 5 साल के टेन्योर को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनका भी असैसिनेशन कर दिया जाता है। और तब से लेके अब तक कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो कि अपने 5 साल के टेन्योर को पूरा कर पाया हो, प्लस वो अपने सरकार को चला पाया हो बिना पाकिस्तान आर्मी के इंटरफ्रेंस के बिना। अब जो इनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, लियाकत अली खान, उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में या उनके इंटरनल इश्यूज के बारे में जिनको काफ़ी अच्छा से पता है, उनको वो ये कहते हैं कि लियाकत अली खान के असैसिनेशन के पीछे US के जो CIA हैं इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मार्च अप्रैल 2022 में जिस तरीके से इमरान खान को फोर्स किया गया एज एन PM रिज़ाइन करने के लिए, उनका जो पॉलिटिकल पार्टी था उनसे जिस तरीके से, जो कोलिशन गवर्नमेंट के जो सांसद थे वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं, उसके पीछे का वजह था कि साल 2022 फरवरी के महीने से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हो जाता है। वॉर शुरू होते ही आपके मार्च के महीने में इमरान खान रशिया चले जाते हैं व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। हालांकि इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन का ये जो मिलना था ये बहुत पहले से ही शेड्यूल हो रखा था, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से इमरान खान जाते हैं और व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं, ये US गवर्नमेंट को काफ़ी अपसेट कर देता है। ये जस्ट एक स्टार्टिंग फेज था जब रशिया और यूक्रेन वॉर में गए थे। कहने का मतलब है
तब तक शायद किसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो 2 साल तक लंबा चल जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंटरनल अफेयर्स है उसको सिंस इंडिपेंडेंस यूएस ही कंट्रोल किया है। उसके जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उसको भी सिर्फ और सिर्फ यूएस ही मोर और लेस उसको कंट्रोल किया है या अपने हिसाब से उसको उस पर इम्पैक्ट बनाया है। तो जब इमरान खान जाते हैं व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं तो ये डायरेक्टली अपसेट कर देता है यूएस को। उसके बाद यूएस जो पाकिस्तान आर्मी है उनको मैसेज भेजते हैं कि इमरान खान को एज एन पीएम हटा दो। जब इमरान खान एज एन पीएम हट जाते हैं तो टिल डेट यानी कि आज हम 11 फरवरी में हैं, इमरान खान के ऊपर कुछ 150 से भी अधिक लीगल केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं। जेल में डाला गया, करप्शन के चार्जेस लगाए गए। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखें कि कोई भी आदमी उस पोजीशन पर रहता है तो करप्शन एक ऐसा मुद्दा है ना जिसमें कि आप ऑलमोस्ट सभी लीडर्स को और सभी देश के जो लीडर्स हैं उसको आप इसमें फंसा सकते हैं। 1 रुपये का भी अगर कहीं से हेर फेर होता है तो वो करप्शन में उसका काउंट हो जाता है। उसके बाद यूएस ने पाकिस्तान को IMF से लोन सैंक्शन करवाया, आपके पिछले साल यानी कि 2023 में सैंक्शन करवाया। और ये प्रूवन रिपोर्ट है कि यूएस ने पाकिस्तान को कहा कि आपके पास जो वेपन है आप वो यूक्रेन को भेजो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि पाकिस्तान का जो इंटरनल अफेयर्स है वो सिर्फ कहने के लिए है, बाकी उसका जो इंटरनल अफेयर्स है वो डायरेक्टली कंट्रोल बाई वॉशिंगटन होता है। एक बात आप बहुत ही साफ समझ लीजिएगा कि भले आप न्यूज़ में ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएस से वेपन्स परचेज कर रहे हैं या यूएस और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, बट आप ये कभी मत समझिएगा या ये आप कभी मत मानिएगा कि यूएस इंडिया का एक ट्रस्टेड अलाय हो सकता है। यूएस का जो इंक्लिनेशन है वो पहले भी और आज भी बहुत हद तक वो पाकिस्तान के तरफ ही है। उसके पीछे का एक और जो सबसे बड़ा वजह है कि जैसे कि रशिया को एशियन कॉन्टिनेंट में एक अच्छा दोस्त चाहिए जो कि एज एन इंडिया है, वैसे ही आपके जो यूएस है उसको भी एक ट्रस्टेड अलाय चाहिए जो कि पाकिस्तान है। तो जियोपॉलिटिक्स में हम इमोशनल बेसिस पे चीज़ों को हम ना देखें बल्कि आप एज एन कंट्री आपका क्या परफॉर्मेंस है, कितना कैपेबिलिटीज़ है, हम उस हिसाब से हम चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको की अच्छी समझ है पाकिस्तान की राजनीति या उनके इंटरनल अफेयर्स के बारे में, उनका मानना है कि सरकार चाहे नवाज शरीफ की बने, चाहे इमरान खान के बने, चाहे किसी और का भी बने, बिना पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल के बिना आप सरकार वहां पे नहीं बना सकते हो, आप बहुत दिन तक सत्ता में नहीं रह सकते हो। इमरान खान और पाकिस्तान के जो आर्मी है या उनके जो आर्मी चीफ जो फ़िलहाल उनके हैं असीम मुनीर, उन दोनों के बीच में रिलेशंस काफ़ी अच्छे नहीं हैं। और असीम मुनीर के बारे में मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मालूम होगा बट फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि असीम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, पहला। दूसरा, ये काफ़ी फिटनेस फ्रीक है, यानी कि इनको अपने फिटनेस को मेंटेन करना या फिजिकल एक्टिविटी करना काफ़ी पसंद है। और तीसरा, इनका जो नेटवर्क है जासूसी करने का या करवाने का या इनफैक्ट जो पूरा स्पाइंग का जो प्रोसेस होता है इसके बारे में इनको मास्टर कहा जाता है। तो जैसे कि जब भी हम इंडिया में अजीत डोवाल सर के बारे में सुनते हैं, जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो हम काफ़ी प्राउड महसूस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान के भी जो फ़िलहाल जो आर्मी जनरल है असीम मुनीर, इनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है। तो कुछ कुछ चीज़ों को ना हमें बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही कहने का मतलब है कि आप इमोशनल अटैचमेंट के साथ चीज़ों को आप ना देखें। अगर दुश्मन कैपेबल है तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा दुश्मन है वो कैपेबल है। एक कंट्री फेल कैसे हो सकता है, इसका एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी हम पाकिस्तान से सीख सकते हैं। जहाँ पे पाकिस्तान को बनाने का जो मेन बेस था वो यही था कि मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट के लिए उस देश को बनाया जाए, वहीं पे भारत में जो सबसे पहला जनरल इलेक्शन होता है वो 1951-52 में हो जाता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान में जो सबसे पहला जनरल इलेक्शन होता है वो आपका 1970 में होता है। तो आप समझिए कि 1947 से लेकर 1970 तक एक भी जनरल इलेक्शन नहीं होता है। तो अगर आप डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, अगर आप प्रजातंत्र बनाना चाहते हैं और वहाँ पर प्रजा का रोल ही नहीं है तो वो कंट्री कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है।
एज एन इंडिया ये अच्छा है कि पाकिस्तान जितना डिस्टर्ब रहे वो हमें कम डिस्टर्ब करेगा, और शायद अगर पाकिस्तान अच्छा हो जाए, उसका इकॉनमी का जो स्टेटस है अगर वो अच्छा हो जाए, तो चांसेस काफ़ी हाई है कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेट्रेशन है या जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उसमें वो इनडायरेक्टली दखलंदाजी करता रहेगा और देता रहेगा। तो एज एन इंडियन पर्सपेक्टिव शायद अच्छा है कि पाकिस्तान तबाह हो जाए या उसमें या उसके जो इंटरनल अफेयर्स है वो इतने ही डिस्टर्ब रहें। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।